ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। अगले महीने भारत में G20 समिट होना है और इस बार G20 की मेजबानी भी भारत कर रहा है। इसको लेकर के राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 8 से लेकर के 10 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि राजधानी दिल्ली को 3 जोन में बांट दिया गया है। ऐसे में यदि आप भी पेशेवर हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर किसी भी काम से घर से निकलने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ये फैसला लिया है कि दिल्ली की ट्रैफिक को 3 जोन में बांटा जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो 3 जोन कौन कौन से होंगे और इन तीनों जोनों में किन किन शहरों को और किन किन मार्गों को शामिल किया गया है। पहला जोन है कंट्रोल जोन 1। पूरी नई दिल्ली कंट्रोल जोन 1 में होगी। यहाँ आवाजाही सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। यहाँ 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक भी वाहन नहीं गुजरेंगे। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, सभी अधिकृत वाहन और सभी इमरजेंसी गाड़ियां नई दिल्ली में आ जा सकेंगे। जिन टूरिस्टों को नई दिल्ली के किसी होटल में बुकिंग होगी उन्हें भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा है कंट्रोल जोन 2। नई दिल्ली के अलावा तिलक मार्ग, डब्लू पॉइंट, ITO क्रॉसिंग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट से गुरु नानक चौक तक चमन लाल मार्ग, आशाफ अली रोड, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड के टी पॉइंट से कश्मीरी बस अड्डे तक IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास इस जोन के दायरे में आएंगे। यहां 9 तारीख की रात 12 बजे से 10 तारीख की दोपहर 2 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा तीसरा जोन है रेगुलेटेड जोन। रिंग रोड से अंदर की ओर का पूरा इलाका रेगुलेटेड जोन में आएगा। यहाँ 8 तारीख की सुबह 5 बजे से 10 तारीख की रात 12 बजे तक ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। इस एरिया में ज़्यादातर रास्ते लोगों की आवाजाही के लिए खुले रहेंगे। केवल जो लोग रिंग रोड से आगे नई दिल्ली की ओर जाने का प्रयास करेंगे उन्हें दिल्ली पुलिस वहीं पर रोक देगी। केवल अधिकृत वाहनों, इमरजेंसी व्हीकल्स और प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अलावा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे उन लोगों को ही नई दिल्ली के कुछ हिस्सों से होकर जाने दिया जाएगा जिनके पास यात्रा के वैलिड टिकट होंगे। 8 से 10 सितंबर के बीच G20 समिट हो रहा है। इसको लेकर के राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली की व्यस्तम सड़कों में ट्रैफिक को रेगुलेट करना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सरकार के लिए काफ़ी मशक्कत भरा काम होगा। ऐसे में यदि आप भी घर से निकल रहे हैं या फिर आप भी इन एरिया में रहते हैं या आपके दोस्त या परिवार के कोई सदस्य रहते हैं तो उन तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं ताकि घर से निकलकर उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।